लेकिन YT स्टूडियो ऐप हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं, हम उसे अच्छी तरह यूज नहीं करते, जिस वजह से हमारे वीडियो वायरल नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जो भी YouTube यूज करते हैं और अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग YT स्टूडियो ऐप भी यूज करते होंगे, अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखे होंगे। लेकिन YT स्टूडियो ऐप आप अच्छी तरह से यूज नहीं करते। आप YT स्टूडियो ऐप ओपन करते हैं और अपने वीडियो का व्यूज देखते हैं, अपने वीडियो का लाइक देखते हैं और अपने वीडियो पे कमेंट देखते हैं कि कौन कौन मेरे वीडियो पे कमेंट किया है, बस इतना ही। लेकिन YT स्टूडियो ऐप हमें बहुत कुछ बताता है, लेकिन हम उसे समझते नहीं हैं, हम उसे अच्छी तरह यूज नहीं करते, जिस वजह से हमारे वीडियो वायरल नहीं होते। और जो लोग YT स्टूडियो ऐप को अच्छी तरह यूज करते हैं और YT स्टूडियो ऐप क्या बता रहा है उसे अच्छी तरह समझते हैं, देन अपने YouTube चैनल के वीडियोज पे अप्लाई करते हैं, तो उनका वीडियो वायरल होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको YT स्टूडियो ऐप अच्छी तरह से यूज करने के बारे में बताऊंगा। तो इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना पड़ेगा और बिना स्किप किए हुए वीडियो को फुल वॉच करना पड़ेगा, तभी आप इसे अच्छी तरह समझ पाएंगे, देन इसे यूज कर पाएंगे। आगे जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और जो चैनल में नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो फ्रेंड्स, तो फर्स्टली आपने YT स्टूडियो ऐप ओपन करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने YT स्टूडियो ऐप ओपन कर लिया। देन एनालिटिक्स में चलिए, उसके बाद ओवरव्यूज में चलिए, तो इस तरह का इंटरफेस आएगा जो कि आप लोग देख पाए। देन स्क्रॉल करके नीचे आइए, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ टॉप कंटेंट व्यूज लास्ट 28 डेज। यहाँ देखिए फर्स्ट वीडियो का व्यूज है 890, सेकेंड वीडियो का व्यूज है 485, थर्ड वीडियो का व्यूज है 366 और फोर्थ वीडियो का व्यूज है 262 और फिफ्थ वीडियो का व्यूज है 208। और यहाँ देखिए रियल टाइम व्यूज 48 आवर्स 446 है। इसे आप डिटेल में भी देख सकते हैं, 48 आवर्स में 446 और 60 मिनट में 9 व्यूज है। तो अब ऑडियंस में चलते हैं। तो ऑडियंस में जाने के बाद यहाँ आप फर्स्ट में देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप रिटर्निंग व्यूवर्स और न्यू व्यूवर्स दोनों देख सकते हैं। रिटर्निंग व्यूवर्स दैट मींस जो व्यूवर्स आपके चैनल पे पहले आ चुके हैं, आपके वीडियो को वॉच कर चुके हैं और दोबारा वो आपके चैनल पे आए हैं, तो वो होता है रिटर्निंग व्यूवर्स। और जो फर्स्ट बार आपके चैनल पे आए हैं वो होता है न्यू व्यूवर्स, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए है एज, तो कौन से एज के कितने परसेंट व्यूवर्स आपके चैनल पे आए हैं, आपके व्यूवर्स हैं, ये यहां से पता चलेगा। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे मेरे व्यूवर्स 18 से 24 एज के 54% है, देन 25 से 34 एज के 35.4% है, देन 35 से 44 एज के 2.4% है और 45 से 54 एज के 7.3%। तो इस तरह से मेरे वीडियो को वॉच करने वाले एज वाइज परसेंटेज इस प्रकार से है। अब यहां पे देखिए है जेंडर, मेल है 89.3%, यानी मेल जो है 89.3% मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। फीमेल है 10.7%, यानी फीमेल लोग जो है 10.7% मेरे वीडियो को वॉच करते हैं। यूजर स्पेसिफाइड 0%। देन यहां देखिए है ज्योग्राफी, कौन सी जगह से कितने परसेंट व्यूवर्स हैं, तो फर्स्ट में देखिए इंडिया से 79.2% है, सेकंड में रशिया से 2.2% है और थर्ड में यूक्रेन से 0.7% है। और बाकी बचे जो परसेंटेज है वो अलग अलग जगह से बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे तीन ही शो किया गया है। देन यहाँ देखिए है टॉप सबटाइटल ऑब्लिक सीसी लैंग्वेज व्यूज लास्ट 28 डेज, नो सबटाइटल ऑब्लिक सीसी लैंग्वेज 81.4%, हिंदी 11.6%। देन देखिए वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम आवर्स लास्ट 28 डेज, नॉट सब्सक्राइब्ड 53.0%, सब्सक्राइब्ड 46.6%। तो मेरे वीडियो को वॉच करने वाले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनसे ज्यादा जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं वो है, ठीक। व्हाट योर ऑडियंस वॉचेज लास्ट 7 डेज, यानी लास्ट 7 डेज में आपके ऑडियंस किस किस तरह के वीडियो को वॉच किए हैं। देन चैनल दैट योर ऑडियंस वॉचेज लास्ट 28 डेज, दैट मींस आपके ऑडियंस लास्ट 20 डेज में आपके चैनल के अलावा और किस किस चैनल को विजिट किए हैं,
ठीक है, तो आगे अभी तक इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको YT स्टूडियो ऐप के बारे में दिखाया और उसके फीचर के बारे में बताया, शायद आप समझ गए होंगे। तो आगे आप जानते हैं कि आपका वीडियो वायरल कैसे होगा, आपको करना क्या होगा। तो पीछे आपने इस वीडियो में देखा होगा टॉप कंटेंट, तो उसमें 5 वीडियो दिखाया गया था। तो उस वीडियो में जिस तरह का थंबनेल है, उस तरह का आपको नेक्स्ट वीडियो में थंबनेल बनाना होगा। आगे उस वीडियो में जिस तरह का आपने टाइटल, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन लिखे हैं, ऐड किए हैं, तो उस तरह का आपको नेक्स्ट वीडियो में करना होगा। और SEO जिस तरह से आपने उन सभी वीडियो में किया है, उसी तरह आपको नेक्स्ट वीडियो में करना होगा, ठीक है। और ट्रेंडिंग टॉपिक का भी ध्यान रखना होगा, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो क्रिएट करना होगा और अपलोड करना होगा। तो ये आप अपना YT स्टूडियो ऐप ओपन करके टॉप कंटेंट को चेक कर लीजिएगा, देन एनालिटिक्स कर लीजिएगा, देन उसे आप अपने नेक्स्ट वीडियो में अप्लाई कीजिएगा। और YouTube पे आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हुए काम कीजिए, रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहिए, पक्का आपका वीडियो वायरल होगा। सभी वीडियो वायरल नहीं होता है, 2-4 वीडियो के बाद कोई ना कोई वीडियो वायरल हो जाता है, तो वायरल इसी तरह से वीडियो होता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आपको बताया, आई होप कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे ये वीडियो आपको कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।